पूरी दुनिया घर पर बैठी हुई है और बोर हो रही है लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने सोचा क्यों ना आपने कुछ आइडियाज़ शेयर किए जाएं, तो पेरेंट्स भी ये सारा काम देखकर आपका बहुत खुश होंगे, ट्रस्ट मी। Hold from one side and start rotating. Just tie it ताकि वो खुल ना जाए. And same with the second wool. And again with the third one. Cut both the sides. Keep one thread separately. Tie them tightly. Take one paper and mold it into an oval shape. Take another one. Mold it into a bird shape. जो third wool के threads cut किए थे, then paper ball. जो crossover होगा वो bird का face होगा. Separate thread हमने निकाल के रखा था, उससे हम उसको tie कर देंगे. Side के thread को बर्ड के विंग्स बनाते हुए टाई कर देंगे. मेक श्योर कि वो बहुत टाइट हो. देन एक्स्ट्रा पेपर को कट कर दीजिए. टेल का शेप देते हुए एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर देंगे. ये ऑलमोस्ट हाफ बर्ड हमारी तैयार है. आई के लिए किसी भी टाइप के मोती ले सकते हैं. पेपर को रोल करके उसकी बीक मतलब चोंच बना देंगे. ओके, तो ऐसे मैंने बहुत सारी बर्ड्स बना ली हैं अलग अलग थ्रेड्स को लेके. आप इसे बहुत सारे तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड में लटका के. कुछ इनोवेटिव करने के लिए हम कुछ और आइडियाज़ भी निकाल सकते हैं. जैसे ये मेरे पास एक रिंग टाइप मटेरियल था, उसके आसपास मैंने ये सारा वूल ऐसे रोटेट कर दिया. यही अब इसमें बर्ड आराम से बैठ सकती है और रेस्ट कर सकती है. हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं. मैंने तो इन्हें अपनी वॉल पर ऐसे हैंग करके डेकोरेट कर रखा है. अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो बनता है.